क्या दोस्तों, पेगासस स्पाइवेयर और सर्विलांस दोनों एक जैसा काम करते हैं? कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या पेगासस स्पाइवेयर और सर्विलांस बहुत महंगे होते हैं या फिर इन्हें कोई भी खरीद सकता है, किसको परमिशन मिलती है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइव के। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि क्या पेगासस स्पाइवेयर और सर्विलांस दोनों एक जैसे होते हैं? तो दोस्तों इसको मैं अभी स्पष्ट कर दूं कि दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि क्या पेगासस स्पाइवेयर और सर्विलांस दोनों एक जैसा काम करते हैं? तो दोस्तों ये भी गलत बात है। पेगासस स्पाइवेयर का काम अलग होता है और सर्विलांस का काम अलग होता है। अब दोस्तों बात आती है आखिर पेगासस स्पाइवेयर क्या काम करता है और सर्विलांस क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों पेगासस स्पाइवेयर के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि पेगासस स्पाइवेयर क्या काम करता है। दोस्तों पेगासस स्पाइवेयर के बारे में वैसे विस्तार से वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं। अब नॉर्मली से आपको सिंपल से शब्दों में अगर आपको कह दूं तो पेगासस स्पाइवेयर आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकता है, आपके फोटो देख सकता है, ऑडियो वीडियो देख सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके मोबाइल को एक कैमरा को ऑन कर सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब दोस्तों बात आती है सर्विलांस की। तो दोस्तों सर्विलांस जो है उसके ठीक विपरीत कार्य करता है, यानी कि पेगासस स्पाइवेयर जो काम करता है उस तरह का काम सर्विलांसर नहीं करता है। सर्विलांस क्या काम करता है? सर्विलांस दोस्तों आपका जो जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो उसको ट्रैक करता है, उसकी ऑडियो को सुन सकता है और उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो ये काम रहता है सर्विलांस का और पेगासस से डिफरेंट ये काम इसका रहता है। तो दोस्तों अब इन दोनों में अब फर्क आपको साफ साफ समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर पेगासस स्पाइवेयर किसके पास होता है और सर्विलांस किसको दिया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पेगासस स्पाइवेयर केवल जो है एक कंट्री गवर्नमेंट को, यानी कि किसी देश की सरकार को ही उपलब्ध होता है और उसी को चलाने की उसको परमिशन होती है। लेकिन दोस्तों सर्विलांस जो है स्टेट बाई स्टेट भी मिल जाता है, यानी कि पुलिस को ये जो है मिल जाता है और पुलिस इस पर काम करती है। इसके अलावा दोस्तों देश की और राज्य सरकारों की जो जांच एजेंसियां होती हैं उनके लिए भी सर्विलांस अवेलेबल होता है। लेकिन दोस्तों पेगासस स्पाइवेयर केवल सरकार के अंडर में रहता है, वो किसी भी लोकल यानी कि स्टेट वाई स्टेट वाली किसी भी जांच एजेंसी को उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से पेगासस स्पाइवेयर और सर्विलांस में अंतर है। तो दोस्तों यही थे मामूली से कुछ अंतर थे जो कि पेगासस स्पाइवेयर और सर्विलांस में थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो दोस्तों मैं इसी तरह की टैक्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।